माननीय सदस्यगण, आज हम 17वीं लोकसभा की पहली बैठक के लिए एकत्र हुए हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। हम सब सदस्यगण संविधान के अधीन चुने गए हैं, इसलिए इस नई लोकसभा पर और हम सब पर सारे देश के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने की अहम जिम्मेवारी भी है। इस अवसर के महत्व को देखते हुए, जैसा कि इस अवसर पर परंपरा भी रही है, हम सब आज की कार्यवाही आरंभ करने से पहले थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, 17वीं लोकसभा के लिए चुने जाने पर आप सभी का स्वागत करने में मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि आप सब इस सदन की उच्च परंपराओं को बनाए रखने में अध्यक्ष पीठ की सहायता करेंगे और हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को और भी मजबूत करेंगे। मैं आपके इन प्रयासों में पूर्ण सफलता की कामना करता हूं। महासचिव महोदय। स्पीकर महोदय, मैं भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत एक सूची हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण, जिसमें 2019 के आम निर्वाचन में 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम दिए गए हैं, को सभा पटल पर रखती हूं। आइटम नंबर 5। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि महासचिव राष्ट्रपति ने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नाम निर्देश किया है। श्री कोडे कुनील सुरेश जी, श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, श्री भर्तहरि महताब जी। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, सेक्रेटरी जनरल द्वारा अब सदस्यों के शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के उद्देश्य माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जाएंगे। सबसे पहले सदन के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे, फिर सभापति तालिका के माननीय सदस्यगणों के नाम लिए जाएंगे, उसके बाद कैबिनेट रैंक के मंत्रीगण और राज्य मंत्रियों के नाम पुकारे जाएंगे। तत्पश्चात अन्य सदस्यों के नाम राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार पुकारे जाएंगे। पहली बार नाम पुकारे जाने पर जो सदस्य शपथ नहीं ले पाएंगे, उनके नाम अंत में दोबारा पुकारे जाएंगे। यदि किसी सदस्य के नाम का सही ढंग से उच्चारण नहीं हुआ हो तो वह कृपया करके क्षमा करेंगे। महासचिव महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। राहुल गांधी जी।
श्री कोडी कुन्नील सुरेश, मैम कोडिकुन्नील सुरेश जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचन हुआ हूँ, ईश्वर की शब्द लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा, तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री ब्रजभूषण शरण सिंह,